जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो एवरीवन, मैं रेडी हो गई हूँ और हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि आज मेरे बड़े वाले बेटे का बर्थडे है, तो इसीलिए मंदिर जा रहे हैं पहले और फिर पूरा दिन आपके साथ। तो हम पहुंच चुके हैं राम मंदिर। सबसे पहले हमने फूल माला दूध बेलपत्र सभी कुछ लिया है और हमने जा कर के मंदिर में पहले ढोक लगाई है, बेटे के लिए आशीर्वाद लिया है, शिव जी का अभिषेक किया है, पूजन किया है और आरती की है। इस तरह से पूरा शिव जी से बेटे के लिए बहुत सारा साल भर अच्छे से बीते उसके लिए आशीर्वाद मांगा है, पूजा की है। और राम मंदिर हम अक्सर जाते रहते हैं, मुझे राम मंदिर जाना बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ पर बहुत शांति रहती है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा। तो यदि हमारा कुछ भी एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो हम सभी लोग एक बार राम मंदिर ज़रूर जाते हैं। तो इस तरह भोलेनाथ जी की पूजा अर्चन की है पूरे मंदिर में, जैसे राम जी हैं, दुर्गा मैया है, गणेश जी भगवान हैं। बुधवार का दिन है तो गणेश जी पे दुर्वा वगैरह चढ़ाई है। पूरा वीडियो में नहीं लिया है लेकिन हमने सभी जगह भोग प्रसाद फूल माला सभी कुछ चढ़ाया है, सिर्फ वीडियो में इतना ही लिया है क्योंकि यहाँ पर मैं लास्ट में अपनी पूजा और कर रही थी तो इन्होंने मेरा वीडियो बना लिया, मतलब कि चिंटू के पापा ने। और ये धूप वगैरह लगा करके और फिर हम वहाँ से मंदिर में दर्शन वगैरह करके बाहर आ गए हैं। बाहर आ करके हमने गायों को चारा वगैरह खिलाया है क्योंकि जन्मदिन वगैरह इस तरह के कुछ भी होते हैं, बर्थडे होते हैं, कुछ भी हैं तो गायों को चारा वगैरह खिलाना ज़रूर, इस तरह का दान पुण्य करना चाहिए। तो वही सब कुछ हमने की है दिन की शुरुआत। हालांकि बेटा बाहर है, भी हमने बोल दिया है कि वो भी वहाँ पर गाय को चारा वगैरह खिला दे, सुबह मंदिर जाए। तो ये सब बेटे को भी बोला हुआ है और बच्चे कर भी लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने सुबह का काम किया सारा। मंदिर से आने के बाद हमारी पूजा हो चुकी है और ये रहा हमारे भगवान जी का आज का श्रृंगार, लड्डू गोपाल जी। और ये भोग, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे लड्डू। तो आ चुके हैं हम किचन में और अब लंच बनाते हैं। मैंने आपको बताया था, आपको टिप्स मैं आपको डेली दूंगी। तो जैसे मेरी सब्जियां ऊपर जो है डलिया में, ये जो डेली वाली यूज वाली अब खत्म हो चुकी है, तो हमने जो स्टोर की थी फर्स्ट ब्लॉग में आपको बताया था उसी में से निकालते हैं। तो ये हमारी हरी मिर्ची खत्म हो चुकी थी तो इसमें जैसे मैंने स्टोर कर रखी है, एक्स्ट्रा धुली हुई रखी है हरी मिर्ची, तो हम निकाल लेंगे ऐसे। तो ये बहुत इजी हो जाता है, आप अगर ज्यादा सब्जियां लाते हैं तो आपको बार बार मार्केट भी नहीं जाना पड़ता है। और ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है एकदम हरी मिर्ची, बढ़िया। और इसी तरह से यहाँ पर अदरक भी खत्म हो चुकी है, तो अदरक भी हमने काफी सारी मंगा करके और धो करके स्टोर की थी तो अदरक भी निकालेंगे। काम इतना आसान रहता है, इसमें आपको कभी कोई चीज की ये भी नहीं लगती है कि खत्म हो गई है तो कहाँ से वो करें, एक्स्ट्रा चीजें रखी रहती है जब तक इसमें सामान है, यहाँ स्टोर है, जब यहाँ खत्म हो जाएगा, ये हफ्ते का पूरा टारगेट होता है तो पूरे हफ्ते भर की सब्जियां चल जाती है। और जैसे ये पत्ता गोभी, इसका ऊपर का हटा करके मैंने इसको धो करके साफ कर लिया था, अब जब हम इसे कट करेंगे तो इसका एक पत्ता और निकाल देंगे। और ये वैसे ऊपर से बिल्कुल साफ है, धुली हुई है, वो मार्केट की गंदी आती है वो बिल्कुल भी नहीं है। और मटर भी जैसे मेरे छिले हुए रखे थे मैंने उसी में से लिए हैं, थोड़ा पानी डाल दिया है धोने के लिए, जो कल आए थे तोड़ करके वो भी धो के रख दिए थे। तो ऐसा हर दिन आपको कुछ नया मिलेगा। तो यदि आपको मेरे ये छोटे छोटे टिप्स पसंद आते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर से बताइए, जिसे हमें लगे कि नहीं ये जरूरी चीजें हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा आपके साथ में और भी टिप्स शेयर करेंगे। और यदि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे औरों को भी ये लगे कि हाँ हमारी टिप्स कुछ काम की है। तो इस तरह से ये सब हो चुका है, अब करते हैं लंच की तैयारी। तो यहाँ पर बनाएंगे लंच और लंच में हम बना रहे हैं आज सिंपल सा अपना पुलाव, रायता और पापड़।
तो पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चावलों को गला दिया था, करीब आधा घंटा पहले गला दिया था। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे धुले हुए मटर, यानी कि चावल और मटर को एक साथ उबाल लेंगे। चावलों को ज़्यादा नहीं उबालेंगे क्योंकि पहले गला दिया था, तो हल्के से ही जहाँ तक मटर उबलेगी चावल भी उबल जाएंगे, तो ये काम एक साथ हो जाएगा। तो हमने चावलों को उबलने रख दिया है और एक साइड हम हमारी सारी सब्जियों को काट लेंगे। ज़्यादा सब्जियाँ नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चों को ज़्यादा सब्जियाँ पसंद भी नहीं आती हैं, और वैसे भी मुझे ड्राई फ्रूट्स डालने थे तो ज़्यादा सब्जियाँ नहीं डाली हैं। तो इस तरह से सिर्फ पत्ता गोभी, हरी मिर्ची और अदरक वगैरह फ्लेवर के लिए काट लिया है, तो बस यही डालेंगे। मटर उबलने में रख दिए थे, तो ये हमारी सब्जियाँ यहाँ पर कट चुकी हैं। और इसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स निकाल लेंगे क्योंकि हमारे चावल भी उबल चुके हैं, अब हम इनका पानी निकाल देंगे। तो ये काम भी हो गया और सब्जियाँ भी कट गई, दोनों काम एक साथ हो गए। और यहाँ पर निकाल लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, तो मैंने काजू, बादाम, कतरन, किशमिश, हरा धनिया, मीठी नीम, ये सारी चीज़ें निकाल लिए हैं। तो इस तरह से ये मेरी पुलाव की तैयारी हो गई है। और यहाँ पर हम लगा लेंगे रायते का तड़का, क्योंकि रायता मुझे तड़के वाला बनाना है, तो पहले तड़का लगा देंगे। उसके लिए मैंने तेल गरम रख दिया है, बहुत थोड़ा सा तेल लिया है, ज़्यादा नहीं लेंगे। जीरा थोड़ा ज़्यादा डालेंगे जिससे स्वाद जीरे का आता है, और कुछ लाल मिर्ची के टुकड़े डाले हैं, हालांकि हम इनको बाद में निकाल देंगे क्योंकि रायते में नहीं रहेगी, लेकिन सिर्फ तेल के अंदर उसका फ्लेवर आ जाएगा। और हींग डाल करके हल्का पानी डाल देंगे, गैस बंद कर देंगे, क्योंकि जो पैन का गर्म रहता है पानी, बस उतने में ही हमारी बूंदी गल जाएगी, तो हम इसी के अंदर, और बूंदी का पानी नहीं निकालेंगे तो हमने पानी भी कम ही लिया है। और इधर हमारे पुलाव की तैयारी हो गई है, तो यहाँ पर हम पुलाव में तड़का लगा लेंगे। उससे पहले हमने कढ़ाई में पापड़ फ्राई कर लिए थे, जिससे हमारे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और उसके बाद उसी तेल में थोड़ा घी डाल दिया है, क्योंकि पुलाव में घी का फ्लेवर आने से थोड़ा तेल और घी मिक्स कर देते हैं, तो घी जमता भी नहीं है चावलों पे, क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो इसलिए तेल और घी दोनों मिक्स किया है। जीरा, राई, हींग, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, ये सब डाल करके तड़का लगा दिया है। उसके बाद में पहले ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हैं, उसके बाद सब्जियां डालेंगे, क्योंकि अगर पहले सब्जियां डाल देंगे तो हमारे जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। और उसके बाद हमने डाली हैं सब्जियां। तो बस ये कुछ एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको याद रखने से स्टेप बाय स्टेप काम हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तरह सारी सब्जियां डाल करके अच्छे से मिला लिया है, और उसके बाद डाल दिया है नमक। नमक डालने के बाद में इसे लो गैस पर ही थोड़ी सी देर सब्जियों को हल्का सा भुनेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा भी है जो कि मैं डालती हूँ, वो है ये इलायची का पाउडर। पुलाव में इलायची के पाउडर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप जरूर से डालिए। तो ये मेरा पाउडर बना हुआ है, तो ये इलायची का पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद डाल देंगे चावल और मटर, जो कि पानी निकले हुए रखे हैं, थोड़े ठंडे भी हो चुके हैं, और इनको बड़े हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। और ऊपर से धनिया पत्ती डाल देंगे, और ये रेडी है हमारा बहुत ही शानदार, दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है पुलाव। और यहाँ पर ये हमारी बूंदी गल चुकी है और पानी भी ठंडा हो चुका है, और दही को हमने ऑलरेडी फेंट के रखा हुआ है, तो उसी में हम थोड़ा काला नमक मिला करके और अपनी बूंदी डाल देंगे। तो ये मैंने पानी समेत ही डाला है, दही में पानी नहीं डाला था, और ये बूंदी में जो पानी था उसके समेत ही डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया है। तो ये रही हमारी आज की थाली, वेजिटेबल पुलाव, बूंदी का रायता, पापड़ की कतरन। तो भोग लगाते हैं। और हम शाम को चले गए हैं मार्केट, क्योंकि बेटे ने ही मार्केट जाने का बोला था, और ये बर्थडे का सरप्राइज है, तो सरप्राइज देखने के लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बहुत खुश रहें। मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।